हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक चिल्वर और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टड लाइक में। सो गाइस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडो 11 लॉन्च कर दी है, तो विंडो 11 के साथ साथ ने यूआई को, यूज़र एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव किया है। उसी के साथ साथ इतना ही नहीं, उसके साथ जो एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं उनका सपोर्ट भी शायद देखने को मिलेगा हमें नए विंडो 11 में। तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि विंडो 11 में जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं उनका सपोर्ट कैसे देखने को मिल सकता है और उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो नई विंडो 11 लॉन्च करी है माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें नए यूज़र एक्सपीरियंस के साथ साथ जो एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा, इस बात का इस चीज़ से पता चलता है कि जो उन्होंने विंडो 11 का ट्रेलर या टीज़र लॉन्च किया था उसमें जो कुछ एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो भी दिखाए थे। जैसे कि टिकटॉक की एक वीडियो प्ले करके दिखाई थी। अब टिकटॉक एक एंड्रॉयड ऐप है, वो अगर विंडोज़ में चल रहा है तो सीधी सीधी बात है कि विंडोज़ में एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? एक कंपनी है रेडमोंड नाम की, जिसने पार्टनरशिप की है अमेज़ॉन के साथ और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर अमेज़ॉन ऐप स्टोर को इंटीग्रेट किया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, जिससे होगा ये कि जो अमेज़ॉन का ऐप स्टोर है इसके इंटीग्रेशन से जो पीसी के विंडोज़ के यूज़र्स हैं वो अब काफ़ी सारे एंड्रॉयड ऐप्स को अब बिना किसी पीसी एम्यूलेटर के अपने विंडो 11 पीसी में रन कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पहले विंडोज़ में एंड्रॉयड ऐप्स को चलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, कभी ब्लू स्टैग लगाओ या कभी फलाना ढिकाना, बहुत सारे एंड्रॉयड एम्यूलेटर्स यूज़ करने पड़ते थे। लेकिन अब शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। जो विंडो 11 का ट्रेलर या टीज़र कुछ भी कह लो जो आया है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड ऐप्स को दिखाया है एक छोटी सी झलक, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया टिकटॉक की एक छोटी सी झलक दिखाई है। और इससे ये पता चलता है कि जो विंडो के कस्टमर्स हैं जो पीसी में यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले के जो एंड्रॉयड के ऐप्स हैं उनको पीसी में रन करना एक सरदर्द का काम था। अब ये इतने सारे पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसी पे से उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये सब एक साथ प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को इंटेल की हेल्प लेनी पड़ी। इंटेल की एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी, जो यूज़र्स को अलाउ करती है कि जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको अपने पीसी में रन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कि ऐसा नहीं है कि जो इंटेल की टेक्नोलॉजी है, इंटेल की जो कंपाइलर टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर्स तक काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी विंडोज़ के प्रोसेसर वाले लैपटॉप पीसीज आते हैं जिनमें विंडो 11 चलेगी, वो चाहे ARM प्रोसेसर हो या AMD प्रोसेसर हो, कोई भी प्रोसेसर हो, सब पे काम करे। और अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि सभी ऐप्स जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं वो सारे ऐप्स हमें Amazon ऐप स्टोर पे देखने को मिलेंगे, पर जहाँ तक थोड़े बहुत तो देखने को मिलेंगे। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि जो ऐप्स अवेलेबल होंगे वो सारे ऐप्स अवेलेबल होंगे या लिमिटेड ऐप्स होंगे। पहले जहाँ एक APK फाइल्स को पीसी में रन करने के लिए हमें इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते थे, वैसे अब ये नहीं होगा। और इससे माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। जैसे कि एप्पल ने अभी कुछ टाइम पहले अपना मैक OS को अपडेट किया था और उसमें iOS ऐप्स का सपोर्ट दे दिया था, जिससे कि आप एप्पल के जो मोबाइल के ऐप्स हैं उनको अपने मैक OS PC या लैपटॉप पर रन कर सकते थे। और यही माइक्रोसॉफ्ट ने अब प्रोवाइड कर दिया है एंड्रॉयड ऐप्स के साथ, और ये एप्पल को बहुत तगड़ी टक्कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार पीसी और इसको मोबाइल को पेयर करने की कोशिश की है। पहले भी एक कोशिश कर चुके हैं कि जो विंडो 10 थी उसमें एक ऐप दिया था योर फ़ोन ऐप करके, जिसके थ्रू काफ़ी तरीके से आप अपने मोबाइल और पीसी को इंटीग्रेट कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन उसके फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे और सिर्फ सैमसंग के जो गैलेक्सी डिवाइसेस होते थे उनके साथ वो अच्छी तरीके से कंपेटेबल थे, बाकी एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते थे। सो आई होप अब विंडो 11 आ गया है तो यूज़र्स की ये सारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और हम बहुत सारे जो एंड्रॉयड के ऐप्स हैं उनको पीसी में रन कर पाएंगे। अब काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि अब पबजी को हम बिना पीसी एम्यूलेटर के पीसी में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, तो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी कि खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। अगर अवेलेबल होगा अमेज़ॉन ऐप स्टोर पे तो ज़रूर खेल पाएंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कोई ना कोई जुगाड़ लोग निकाल ही लेंगे इसको खेलने का। पहले भी लोग खेलते थे तरह तरह के एम्यूलेटर। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो आप वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।